खबर बारा के शाहबाद से है, जहां मुख्य विद्युत कार्यालय में अचानक से ही आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर थानाधिकारी विजय बहादुर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने के कारण पानी के टैंकर मंगवाए और कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरी आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक सरकारी रिकॉर्ड सहित कंप्यूटर फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। आपको बता दें कि समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने से पानी के टैंकर मंगवाए गए और खुद ही इस पूरी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सरकारी रिकॉर्ड सहित कंप्यूटर्स भी जलकर और साथ ही फर्नीचर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके थे। आपको बारा के शाहबाद से खबर बता रहे, जहां पर सरकारी कार्यालय में अचानक से ही आग लग गई। आग देखते ही पूरे माहौल अफरा तफरी में बदल गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची और समय पर नहीं पहुंचने पर पानी के टैंकर मंगवाए गए और खुद ही इस पूरी आग पर काबू पाया गया। साढ़े 5 बजे करीब जैन साहब देखे जी ने मुझे फ़ोन से बताया कि हमारे जो ऑफिस में आग लगी है सर, वो फायर ब्रिगेड सूचना कर रहे हैं। मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को 12 सूचना कर दी और तुरंत मौके पर मैं जा सके यहाँ आया। यहाँ पी जी कर्मचारियों के साथ में लेकर के जब से आग बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरे ऑफिस के अंदर जो है कमरों के अंदर आग लगने से रिपोर्ट वगैरह कंप्यूटर वगैरह चल गए सारे, तो हर संभव प्रयास किए आग बुझाने की, अब तक काबू नहीं पाए। फायर ब्रिगेड पहुँची। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।